हेलो फ्रेंड, मैं उन्नीक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल का जो 15th मैच होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच, इसका ड्रीम इलेवन टीम का। सो फ्रेंड, ड्रीम इलेवन टीम देखने से पहले आइए दोनों ही टीमों का प्लेइंग इलेवन देख लेते हैं, पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट देखेंगे ड्रीम इलेवन टीम। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं प्लेइंग कोलकाता टीम के प्लेइंग इलेवन का। तो यहाँ से बात किया नीतीश राणा का, तो ये आपको 100% ओपनिंग करते हुए दिखाई दे देंगे और बहुत अच्छे फॉर्म में भी, पिछला 3 मैच में से 2 में हाफ सेंचुरी कर चुके हैं, एक मैच में 80 रन, एक मैच में 57 रन। सो यहाँ से नीतीश राणा को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। बात किया शुभमन गिल का, तो देखिए शुभमन गिल ने अभी तक कोई बड़ी पारी खेली नहीं है पिछले 3 ही मैचेज में, और लेकिन आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे। एक मैच में अच्छा रहा था जहाँ पे 33 रन उन्होंने पारी खेली थी, अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है सुमन गिल से बेटर इस मैच में आपके लिए राहुल त्रिपाठी रहने वाले, जिन्होंने एक मैच में हाफ सेंचुरी भी किया हुआ है और अब तक मतलब अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं फ्रेंड। साथ ही साथ राहुल त्रिपाठी फील्डिंग भी बहुत ही अच्छा कर लेते हैं। सो ऐसे राहुल त्रिपाठी को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। मॉर्गन अभी बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे, इनको आप छोड़ सकते हैं। दिनेश कार्तिक को इस मैच में आप ट्राई कर सकते हैं। रीजन ये है कि देखिए धोनी का बैटिंग का बात किया तो बहुत लेट से आता है, 7 नंबर पर धोनी बैटिंग करने के लिए आते हैं, वही बात किया दिनेश कार्तिक का तो ये कभी 5 नंबर कभी 6 नंबर पर आ जाते हैं और इनका बैटिंग मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है धोनी के मुकाबले। सो इसी वजह से मैं बोलूँगा इस मैच में अगर आप दिनेश कार्तिक को लेना चाहें तो ले सकते हैं। रसेल को तो जरूर अपने टीम में रखेगा क्योंकि तुरुप का इक्का है फ्रेंड, किसी भी मैच में बड़ी पारी खेल सकता है, 4-5 विकेट भी ले सकता है। आपने देखा ही होगा अभी पिछले कुछ दिन पहले ही इन्होंने 5 विकेट निकाला था, साथ ही साथ लास्ट मैच में 31 रन की इन्होंने एक अच्छी पारी भी खेली थी। सो रसेल को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। साकिबल हसन इस मैच में ड्रॉप होने वाले, साकिबल हसन को मत रखिएगा, इनके जगह पर आपको सुनील नारायण खेलते हुए दिखाई देंगे और ये बात खुद केकेआर के जो कोच है ब्रैंडन मैकलम, उन्होंने ही कहा है कि रसेल मतलब सुनील नारायण पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और इस मैच में साकिब के जगह खेल सकते हैं। ऐसे साकिब को मत रखिएगा। पैट कमिंस आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे और बहुत अच्छा बॉलिंग भी कर रहे हैं और ये मैच तो मुंबई में हो रहा है, मुंबई में फास्ट बॉलर को हेल्प मिलता है फ्रेंड। सो पैट कमिंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। हरभजन सिंह को आप लोग छोड़ दीजिएगा इस मैच में, मुझे लगता है कि ड्रॉप किए जा सकता है। रीजन ये है कि पिछला 3 ही मैच अगर देख लिया जाए तो 1 विकेट भी हरभजन सिंह को नहीं मिला है और यही रीज़न है कि इनके जगह पे इस मैच में एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खेल सकता है क्योंकि मुंबई में मैच हो रहा है, यहाँ पे फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प मिलता है। सो हो सकता है इस मैच में हरभजन सिंह के जगह पे आपको शिवम माबी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, शिवम माबी वो भी एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है। बात किया जाए यहाँ से वरुण चक्रवर्ती का, तो वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग अच्छा खासा कर रहे हैं, लास्ट मैच में भी 2 विकेट लेकर आ रहे हैं, सो ये आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे, अगर आप अपने टीम में लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का बात किया है तो ये आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे, इनको देखिए उतना कुछ खास बॉलिंग इनका अभी तक रहा नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे डाउट भी लग रहा है, मे बी कमलेश नागरकोटी जो एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है उसको भी मौका मिल सकता है प्रसिद्ध कृष्णा के जगह पे। सो इस वजह से थोड़ा बहुत मुझे डाउट लग रहा है, ज़्यादातर चांसेस ये लग रहा है कि खेल सकता है लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी डाउट लग रहा है, सो इसी वजह से फिलहाल प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं ले रहे। अब बात कर लेते हैं ऐसे CSK टीम के प्लेयर्स का, तो यहाँ से बात किया जाए डुप्लेसिस का, तो ये आपको 100% खेलते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छे फॉर्म में भी है और पिछला 2 मैच में बैक टू बैक 30+ स्कोर करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से फाफ डुप्लेसिस को जरूर अपनी टीम में रखेगा। गायकवाड की जगह पे इस मैच में आपको रवीन उथप्पा खेलते हुए दिखाई दे देंगे। मोइन अली आपको 100% खेलेंगे, पिछले मैच में हमारे टीम के वाइस कैप्टन थे ये और इन्होंने 26 रन बनाया, साथ ही साथ 3 विकेट भी लिया, मतलब बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था फ्रेंड। सो यहाँ से मोइन अली को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। सुरेश रैना आपको 4 नंबर बैटिंग करते हुए दिखाई दे देंगे, इनको भी जरूर अपनी टीम में रखिएगा। राइडू को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, 5 नंबर पे 6 नंबर पे आ रहे हैं, 6 नंबर पे तो नहीं आ रहे, 5 नंबर पे ही आ रहे बैटिंग करने के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा गेंद खेलने के लिए मिल नहीं पा रहा, जिस वजह से ये बड़ी पारी खेलने में अब तक नाकाम रहे हैं। आप देख सकते हैं एक भी हाफ सेंचुरी अभी इस सीजन में इनका नहीं आया है, सो इस वजह से राइडू को छोड़ रहे हैं। जडेजा को लेना चाहे तो ले सकते हैं, बॉलिंग अच्छा खासा कर रहे हैं और बैटिंग में भी नंबर 6 तक आ जाते हैं, सो अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, जडेजा आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाले इस मैच में। धोनी को छोड़ दीजिएगा
क्योंकि इनका बैटिंग बहुत लेट से आता है, कभी 7 नंबर पे कभी 8 नंबर पे भी आ जाते हैं, अपने से पहले सैम करन को भी उतार देते हैं। सो धोनी को लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सैम करन को तो जरूर अपनी टीम में रखिएगा, पिछले मैच में हमारे टीम में ये थे, 2 विकेट उन्होंने लिया था। साथ ही साथ आपको पता है सैम करन बैटिंग भी बहुत अच्छा खासा कर लेते हैं, सो यहाँ से सैम करन को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। ब्रैवो का बात क्या है, तो ब्रैवो इस मैच में ड्रॉप किए जा सकते हैं क्योंकि लुंगी एंगड़ी पूरी तरह से मतलब फिट है और इस मैच में खेलने के लिए अवेलेबल है। जैसन बैरनडर्फ फिलहाल अभी क्वारंटीन में, सो जैसन बैरनडर्फ अभी तो नहीं खेलेंगे, लेकिन लुंगी एंगड़ी पूरी तरह से अवेलेबल है और इस मैच में ब्रैवो की जगह पे आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठाकुर का बात किया तो ठाकुर तो 100% ही खेलेंगे, लेकिन कुछ खास बॉलिंग अब तक रहा नहीं है, इसी वजह से फिलहाल ठाकुर को नहीं लेंगे। दीपक चहर को आप ले सकते हैं फ्रेंड, और इस पिच पे देखिए थोड़ा सा स्विंग होता है, तो मे भी यहाँ पे दीपक चहर कमाल कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए जिस पिच पे भी फास्ट बॉलर को हेल्प मिलता है वहाँ पे दीपक चहर बहुत ही अच्छा स्विंग बॉलिंग करते हैं, कमाल का बॉलिंग करते हैं। अभी आपने देखा ही होगा 4 विकेट हाल ही में लिया था, सो यहाँ से दीपक चहर को आप अपनी टीम में ले सकते हैं। बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, उसके बाद डायरेक्ट देखेंगे ड्रीम 11 टीम। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है और अभी तक यार आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अब बात कर लेते पिच रिपोर्ट का, तो देखिए मुंबई में मैच होने वाला है और मुंबई में जो लास्ट मैच हुआ था वो हुआ था CSK वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच, जहां पे 188 रन हाईएस्ट गया था फ्रेंड। पिच बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा, रन बहुत बनने वाला है। साथ ही साथ बात किया जाए बॉलिंग का, तो टोटल 18 विकेट भी गिरा था यहाँ पे, जिसमें से 10 विकेट फास्ट बॉलर ने लिया था और 6 विकेट स्पिनर ने लिया था। तो यहाँ पे आंकड़ा देखकर थोड़ा सा तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मुंबई का जो पिच है यहाँ पे फास्ट बॉलर को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है फ्रेंड। सो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमने ड्रीम 11 टीम तैयार किया हुआ है, तो आइए अब डायरेक्ट ड्रीम 11 टीम देख लेते हैं। तो यहाँ से बात किया जाए विकेट कीपर का, तो विकेट कीपर में यहाँ से दिनेश कार्तिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फ्रेंड्स, तो दिनेश कार्तिक को ले सकते हैं। धोनी को आप लोग छोड़ दीजिएगा क्योंकि धोनी का देखिए बैटिंग मिलने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा, इसी वजह से मैं बोलूँगा धोनी को आप जरूर यहाँ से मिस कर सकते हैं। सेल्डन जैक्सन नहीं खेलने वाले, टी सेफर्ट नहीं खेलेंगे और यहाँ से एन जगदीशन भी नहीं खेलने वाले। अब बात कर लेते हैं यहाँ से बैटिंग की, तो बैटिंग में यहाँ से फाफ डुप्लेसिस और आयना को जरूर अपनी टीम में रखिएगा, दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में है। मॉर्गन को छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाए। राइडू का बैटिंग थोड़ा लेट से आ रहा है जिस वजह से बड़ी पारी खेल नहीं पा रहे हैं। और बात किया नीतीश राणा का, तो नीतीश राणा बहुत ही अच्छे फॉर्म में ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं और 2 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं पिछले 3 मैच में, सो यहाँ से नीतीश राणा को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। और इस मैच में हम सुमन गिल को ना लेकर यहाँ से राहुल त्रिपाठी को ले रहे हैं, थोड़ा सा क्रेडिट का भी प्रॉब्लम हो रहा था और मुझे राहुल त्रिपाठी बैट्समैन बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, आपने फर्स्ट मैच में ही देखा होगा इन्होंने 1/2 सेंचुरी भी मारा था और अभी तक बात किया जाए सुमन गिल के बल्ले से 1 भी 1/2 सेंचुरी निकला नहीं है पिछले 3 मैचेज में। रॉबिन उथप्पा आपको गायकवाड़ के जगह पे खेलते हुए दिखाई दे देंगे, पुजारा फिलहाल नहीं खेलेंगे, करुण नायर भी नहीं खेलेंगे, जीत सिंह मान भी नहीं खेलेंगे, गायकवाड़ के जगह पे रॉबिन उथप्पा खेलने वाले, सी हरि निशान फिलहाल नहीं खेलेंगे। बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर में यहाँ से रसेल और मोइन अली को जरूर अपनी टीम में रखें, दोनों ही बहुत ही अच्छे फॉर्म में है फ्रेंड और बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। जडेजा को देखिए अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर जडेजा को ट्राई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से एक बैट्समैन कम लेना पड़ेगा और यहाँ से साकिब अल हसन की जगह पे इस मैच में आपको सुनील नारायण खेलते हुए दिखाई दे देंगे। सैम करन बहुत अच्छे फॉर्म में, इनको जरूर अपनी टीम में रखिएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं और लास्ट मैच में भी 2 विकेट लेकर आ रहे हैं और इस पिच पे कमाल करने वाले हैं। यहाँ से कटिंग को छोड़ सकते हैं, मिशेल सैंडर नहीं खेलेंगे, गौतम भी नहीं खेलेंगे, वी अय्यर भी नहीं खेलेंगे और यहाँ से वर्मा भी नहीं खेलेंगे। बात कर लेते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में यहाँ से पैट कमिंस को जरूर अपनी टीम में रखिएगा फ्रेंड, इस पिच पे कमाल करने वाले पैट कमिंस, तो या इन ये इस मैच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सो पैट कमिंस को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। ब्रैवो इस मैच में ड्रॉप किए जा सकते हैं, इनके जगह पे लुंगी एंगड़ी खेलते हुए दिखाई दे देंगे। बात किया जाए इमरान ताहिर का, तो इमरान ताहिर फिलहाल नहीं खेलने वाले। दीपक चहर आपको 100% खेलते हुए दिखाई दे देंगे और इस पिच में मुझे लगता है इस मैच में कमाल कर सकते हैं फ्रेंड, सो दीपक चहर को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे, शार्दुल ठाकुर का परफॉर्मेंस अब तक कुछ खास रहा नहीं है, सो इसी वजह से फिलहाल शार्दुल ठाकुर को नहीं ले रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का बात किया है, तो प्रसिद्ध कृष्णा भी इस मैच में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मे भी हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा के जगह पे कमलेश नागरकोटी आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का परफॉर्मेंस अभी तक देखा जाए तो उतना कुछ खास
नहीं रहा है। लॉकी फर्गुसन नहीं खेलेंगे, लुंगी एंगड़ी खेलते हुए दिखाई दे देंगे। वरुण चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे फॉर्म में, इनको जरूर अपनी टीम में रखिएगा। हरभजन सिंह नहीं खेलने वाले हैं, करण शर्मा नहीं खेलेंगे, पवन नेगी नहीं खेलेंगे, जैसन बैरनडॉर्फ अभी क्वारंटीन में है, संदीप वॉरियर नहीं खेलेंगे, आर साई किशोर नहीं खेलेंगे, कमलेश नागरकोटी खेल सकते हैं, शिवम आबी खेल सकते हैं, के आसिफ नहीं खेलेंगे, एच रेड्डी नहीं खेलेंगे और यहाँ से बी अरोरा नहीं खेलेंगे। अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो देखिए कैप्टन के लिए मैं बोलूँगा मोइन अली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छे फॉर्म में, नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे, बैटिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपने पिछला मैच देखा होगा तो इन्होंने बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त किया फ्रेंड, पिछले मैच में 3 विकेट लेकर आ रहे हैं, इस मैच में भी अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से कैप्टन के लिए मोइन अली आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे और वाइस कैप्टन यहाँ से आप नीतीश राणा को बना सकते हैं, क्योंकि नीतीश राणा भी पिछले 3 मैच में 2 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। सो वाइस कैप्टन आप नीतीश राणा को बना सकते हैं। सो यही हमारी फाइनल ड्रीम 11 टीम रहेगी। अगर बाई चांस इस टीम में मुझे कुछ चेंजेस करना पड़े मैच से पहले, तो मैं जो भी चेंजेस करूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा। सो अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। और लिंक पर क्लिक करने के बाद भी कोई दिक्कत हो रहा है या फिर मतलब ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको अपने टेलीग्राम का फ्रेश लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग ज्वाइन हो सकोगे। और इंस्टाग्राम का लिंक का बात किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन का, तो आप किसी और को भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए पहले टीम में तो मैं मोइन अली और नीतीश राणा को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। दूसरा टीम अगर मैं बनाता हूँ तो वहाँ पर मैं फाफ डू प्लेसिस को कैप्टन बनाऊँगा और वाइस कैप्टन एंड्रे रसेल को। तीसरा टीम में एंड्रे रसेल को कैप्टन और वाइस कैप्टन सुरेश रैना को। चौथा टीम में सुरेश रैना को कैप्टन और वाइस कैप्टन यहां से सैम करन को बना सकते हैं। सो इस तरीका से कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके भी 4-5 टीम बना सकते हैं फ्रेंड। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और देखिए जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका कमेंट को हम पिन भी करने वाले हैं, साथ ही साथ रिप्लाई भी देंगे। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।